दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों एक समय था जब पॉर्न इंडस्ट्री में सनी लियोनी का एक नाम था। आज भले ही बॉलीवुड में आकर अपने उस छवि को बदलाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर एक्ट्रेस सनी लियोनी अतीत से टकरा जाते हैं। दरअसल गुजरात की सूरत में एक 5-स्टार होटल में प्ले हॉलीवुड सनी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम में सनी लियोनी से एक रिपोर्टर ने काफी अभद्र सवाल पूछ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम सब ऐसे ही कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सनी लियोनी के साथ घटा था। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों जब रिपोर्टर ने सनी लियोनी को एक अभद्र सवाल पूछ लिया था तो जवाब में सनी लियोनी अपने आपा खो बैठी और उन्होंने सीधे रिपोर्टर को चाटा मार दिया। दरअसल दोस्तों ये खबर काफी पुराना है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों एक्ट्रेस सनी लियोनी अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाने माने नाम बन चुके हैं और आज हम सब ऐसे ही कुछ खबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों सनी लियोनी ने साल 2011 में कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 में कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था, लेकिन उनके पास्ट की वजह से उन्हें घर से बेघर कर दिया गया था। और सनी लियोनी का लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब महेश भट्ट ने बिग बॉस के घर पर आकर सनी लियोनी को जिसमें टू मूवी पर काम करने का मौका दिया था, और उसी की वजह से सनी लियोनी रातों रात एक पॉर्न स्टार से सुपरहिट बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई। और उसके बाद से कभी सनी लियोनी को पीछे मोड़कर देखना नहीं पड़ा। दोस्तों जिसम 2 के बाद सनी लियोनी बैक टू बैक हिट मूवीज दिया था, उनकी डांस और आइटम सॉन्ग्स के भी सभी लोग दीवाने बन गए। और दोस्तों सनी लियोनी MTV के शो स्पीड विला के जज भी रह चुके हैं और कई सारे सीजन होस्ट किए हैं। आप सभी को बता दो दोस्तों कि सनी लियोनी साल 2011 में डेनियल वेबर के साथ शादी किया था और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सनी लियोनी और डेनियल वेबर का 3 बच्चे हैं और सनी लियोनी अक्सर ही अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए कई सारे फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। आप सभी को बता दो दोस्तों कि एक्ट्रेस सनी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर भोरा है और इस नाम से साल 2018 में G5 पर करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी का नाम से एक बायोग्राफिकल वेब सीरीज भी रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्ट्रेस सनी लियोनी का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए अलविदा।